गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज अगेन हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि ज़्यादातर तो बायोटेक के स्टूडेंट्स के हिसाब से है, लेकिन इसे एमएससी जूलॉजी के सिलेबस में भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो ये थोड़ा सा जूलॉजी के स्टूडेंट्स को हो सकता है कि थोड़ा सा एक इसको थोड़ा समझने में दिक्कत जाती हो, क्योंकि ये क्लासिकल जूलॉजी का नहीं बायोटेक ओरिएंटेड टॉपिक है और इसका नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अब इससे पहले कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर आएँ, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसजीन वर्ड का मतलब क्या है। ट्रांसजीन एक्चुअली इसका मतलब होता है फॉरेन जीन। ठीक है, और ट्रांसजेनिक एनिमल यदि हम बात करें तो उसका मतलब होता है कोई भी ऐसा एनिमल जिसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया है। ओके, अब द टर्म ट्रांसजेनिक एनिमल रेफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फॉरेन जीन इज इंसर्टेड। ठीक है, और जिसका कि जीनोम मॉडिफाइड है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, बायोटेक में या जूलॉजी में दो वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, क्लोन और ट्रांसजेनिक। तो जो क्लोन होता है ना, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सॉरी एग्जैक्ट नहीं होता, 99% कॉपी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और ट्रांसजेनिक जो होता है वो कॉपी नहीं होता, केवल उसके अंदर एक फॉरेन जीन इंसर्टेड होता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के लिए कि क्लोन और ट्रांसजेनिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो जो क्लोन होता है वो 99% कॉपी होता है, और जो ट्रांसजेनिक होता है वो 99% कॉपी नहीं होता है, उसके अंदर केवल एक फॉरेन जीन इंसर्टेड होता है। ठीक है, देन फॉरेन जीन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन टू द एनिमल बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो बायोटेक से जुड़े बच्चे हैं वो तो इस शब्द को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स इससे वाकिफ नहीं हैं उनको मैं बता दूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम कोई डिजायर्ड जीन लेके किसी वेक्टर में डालते हैं, वेक्टर प्लाज्मिड, कॉस्मिड या फेज हो सकता है, और फिर इस वेक्टर को हम किसी सुटेबल होस्ट में डाल दें, जैसे कि ई कोलाई या ईस्ट, जहाँ जाकर ये वेक्टर के अंदर प्रेजेंट जीन अपने आप को क्लोन कर सके, अपनी कॉपीज बना सके और अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके डिजायर्ड प्रोटीन बना सके, जैसे कि इंसुलिन, इंटरफेरॉन, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सके। तो इस तरीके का जो डीएनए होता है उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और ये डिजायर्ड जीन को वेक्टर में डाल के वेक्टर को होस्ट में डालने की प्रोसेस और डिजायर्ड प्रोटीन बनवाने की प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में बहुत लंबा है। यदि डिमांड होगी तो मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कभी अलग से वीडियो बना दूंगी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये बेस है बायोटेक्नोलॉजी का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि फॉरेन जीन को हम किसी भी एनिमल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसफर करते हैं, और वो किसी भी एनिमल की जर्म लाइन में जाता है ताकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो सके और जीनोम ऑर्गेनिज्म का मॉडिफाई हो सके। ठीक है, अब ये एक यहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी आती है जिसको कहते हैं ट्रांसफेक्शन। ठीक है, ट्रांसफेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट इनटू वेक्टर और एन एनिमल सेल इज कॉल्ड एज ट्रांसफेक्शन। डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट यहाँ आपका कौन सा होगा, जिसके अंदर आपका डिजायर्ड जीन है। आप जीन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं निकाल के, पूरा का पूरा डीएनए सेगमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डीएनए सेगमेंट को वेक्टर में डालना, ये डायरेक्टली एनिमल सेल में डाल देना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसफेक्शन। और ये जो जीन जिसका हम एक्चुअली ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि जीन कहाँ होता है, डीएनए पे, बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिए, मैं शुरुआती वीडियो से बोल रही हूँ, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। तो जीन जो रहता है वो डीएनए पे रहता है, और मैं डीएनए ट्रांसफ़र करूँ किसी उसके अंदर वेक्टर के अंदर, या डायरेक्टली एनिमल सेल में, या तो डीएनए सेगमेंट वेक्टर में डाल दूँ या डायरेक्टली एनिमल सेल में डाल दूँ, ये जो प्रोसेस होती है ये ट्रांसफेक्शन कहलाती है। और ये जीन जिसका मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जो फॉरेन जीन मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर रही हूँ, ये फॉरेन जीन कहलाता है ट्रांसजीन। ठीक है, ये दो वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफेक्शन के ऊपर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है।
कि ट्रांसफेक्शन क्या है. तो इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट इनटू वेक्टर और एनिमल सेल, है ना, इसको ट्रांसफेक्शन कहते हैं. देन इसके अंदर कौन कौन से वेक्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स इसमें यूज़ किए जा सकते हैं. जैसा मैंने आपको बताया कि डिजायर्ड जीन को हम वेक्टर में डालेंगे, तो वेक्टर कौन कौन सा होता है? देखिए, जनरली हम प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेज, इनमें बैक्टीरियोफेज या तो प्लाज्मिड या कॉस्मिड, इनमें से कोई भी वेक्टर हो सकता है. या अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो SV40, BPV वेक्टर, रेट्रोवायरस वेक्टर, वैसीमिया वेक्टर, पी एलिमेंट वेक्टर या बैकेलो वायरस वेक्टर, इनमें से किसी को भी हम वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं. सॉरी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर आता है, सबसे पहला जो स्टेप है, यदि हमें ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना, तो सबसे पहला स्टेप होगा जीन कंस्ट्रक्ट को डिज़ाइन करना. ठीक है, जीन कंस्ट्रक्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का, वो है जीन कंस्ट्रक्ट को डिज़ाइन करना. जीन कंस्ट्रक्ट क्या है? एक यूनिट है डीएनए का, जिसके अंदर क्या क्या है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. ठीक है, जो कि उन सेल्स को पहचानेगा जो कि जीन कंस्ट्रक्ट ले सकते हैं. सबसे पहला एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि कोई सेल ट्रांसजेनिक हुआ है कि नहीं, ये हम इसी जीन की मदद से पहचानेंगे. तो सबसे पहला होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो कि ये जीन टू सिलेक्ट सेल्स दैट हैव टेकन जीन कंस्ट्रक्ट. ठीक है, उससे हमें पता पड़ेगा कि कौन कहाँ कहाँ ट्रांसजीन गया है. दूसरे नंबर पे हमें चाहिए टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर सीक्वेंस, जो कि टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर सीक्वेंस हमें इसलिए चाहिए ताकि वो टू सिग्नल द स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल. ठीक है, वो सिग्नल कर सके, वो प्रोटीन का प्रोडक्शन सेल के अंदर स्टार्ट कर सके. तीसरे नंबर पे हमें चाहिए डिजायर्ड जीन, ऑफकोर्स जिस जीन को हमें ट्रांसफ़र करना है, जिसके थ्रू हम, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी. जैसे सपोज मुझे अगर हाई इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन चाहिए, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मेरा डिजायर्ड जीन है. ठीक है, मेरा उद्देश्य है उस काऊ के अंदर जिसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, उसके मिल्क के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना. ठीक है, तो डिजायर्ड जीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. और लास्ट है स्टॉप सीक्वेंस, ताकि ये जो प्रोटीन बनेगा, इसका बनना कहाँ पर जाकर रुके, वो जो है वो स्टॉप सीक्वेंस से पता पड़ेगा. तो कोई भी जीन कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए हमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की ज़रूरत है, एक टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर सीक्वेंस की ज़रूरत है, एक डिजायर्ड जीन की ज़रूरत है, और चौथे नंबर पे हमें एक स्टॉप सीक्वेंस की ज़रूरत है. ठीक है, तो इस तरह से हम जीन कंस्ट्रक्ट बना लेंगे. और या फिर हम अगर डिजायर्ड जीन को डायरेक्टली वेक्टर में डाल दें, तो ये भी ऑटोमेटिकली एक जीन कंस्ट्रक्ट जैसा ही काम करेगा. वेक्टर में ये बाकी सब चीज़ें होती हैं, तो हम डिजायर्ड जीन को उठा के सीधे वेक्टर को डाल सकते हैं, एंड देन वेक्टर को सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देन टू सरोगेट मदर. ठीक है, तो दो ऑप्शन हो गए आपके पास. या तो आप ऐसा जीन कंस्ट्रक्ट बना लीजिए जैसा मैंने आपको बताया ये चार चीज़ों का, या फिर आप इसे जीन कंस्ट्रक्ट ना बनाते हुए डायरेक्टली जो डिजायर्ड जीन है उसको किसी भी सूटेबल वेक्टर, उन ऊपर जिनके मैंने एग्जांपल दिए, नाम बताए, उनमें से किसी में भी इंसर्ट करके रख सकते हैं. ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं सोर्सिंग ऑफ द ट्रांसजीन. ठीक है, इन द पास्ट जीन वुड हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स डीएनए, बट इन प्रेजेंट मेनी जीन्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, और इफ देयर जीन सीक्वेंस इज नोन, वेरियस कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल टाइप्स ऑफ डिजायर्ड जीन. देखिए, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मुझे इंसुलिन बनाना है, तो मैं क्या करूँ, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन लूँ. ठीक है, इंसुलिन कहाँ बनता है, पेनक्रियाज में, उसका जो प्रोड्यूसिंग जीन है, मैं उस जीन को पकड़ूँ, उसे आइसोलेट करके एज अ ट्रांसजीन यूज करूँ. लेकिन डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म से लेना, ये तो पुराने जमाने का मेथड है. अगर आपने जीन लाइब्रेरीज का कंसेप्ट सुना है, तो आजकल क्या होता है कि डिजायर्ड जीन को वेक्टर के अंदर डालकर और फिर एक लाइब्रेरी मेंटेन करी जाती है, जिसको जीन लाइब्रेरी कहा जाता है, ताकि जब जरूरत पड़े तब वहां से आप जीन ले लें. या फिर आर्टिफिशियली जीन सीक्वेंस अगर नोन है, तो बहुत सारी लेबोरेटरीज आजकल आर्टिफिशियली भी जीन सिंथेसिस करती हैं और जीन प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आर्टिफिशियल जीन प्रोडक्शन में हैं, जो कि आपको डिजायर्ड जीन प्रोवाइड भी कर सकती है. यानी आपके पास 2 से 3 तरीके हो गए जहां से आप ट्रांसजीन सिलेक्ट कर सकते हैं. नंबर वन इज कि जो आप प्रोटीन बनाना चाहते हैं, उसको कोड करने वाले जीन को डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करिए.
नहीं कर पा रहे हैं तो गो फॉर जीन लाइब्रेरीज, जहाँ ऑलरेडी जीन को वेक्टर में डाल के स्टोर किया जाता है, जैसे कि किताबों की लाइब्रेरी होती है ना, ऐसी जीन की लाइब्रेरी होती है, वहाँ से आप लेकर और डायरेक्टली उसे वेक्टर में डाल सकते हैं। या फिर जो जीन सिंथेसिस होता है, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस होता है, वहाँ से भी आप डिजायर्ड जीन को ले सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग दी जीन कंस्ट्रक्ट। दी जीन इज यूजुअली सप्लाइड इन वेक्टर विद अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए लाइक प्लाज्मिड इनटू व्हिच अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्ट कैन बी इंसर्टेड। देखिए, जीन को कई बार आप वेक्टर में डालकर या जैसे प्लाज्मिड में डालकर फिर इंसर्ट करते हैं। व्हेन दी जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इन अ वेक्टर, इट कैन बी सेंड फ्रॉम वन लेबोरेटरी टू अनदर, इट कैन बी स्टोर्ड और मैनिपुलेटेड और कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस मोर कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी यदि आपको समझनी है तो एक बहुत सीधा, सच्चा और बेसिक कंसेप्ट है। मैं बहुत साल से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रही हूँ, 10-12 साल हो गए मुझे ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स में बायोटेक पढ़ाते पढ़ाते, और सम ऑफ करते हुए मैंने एक ही बात कंक्लूड करी कि एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि डिजायर्ड जीन को वेक्टर में डालें, ऐसे वेक्टर में जहाँ जाकर ये जीन अपनी कॉपीज बना सके, अपने आप को क्लोन कर सके, और वेक्टर को या तो वेक्टर में डालकर ही जीन को हम उसकी लाइब्रेरी मेंटेन कर लें, या इस वेक्टर को होस्ट में डालें तो वहाँ जाकर ये जो जीन है ये अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, इसके कंट्रोल में डीएनए रेप्लिकेशन होकर और एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए फाइनली प्रोटीन बना लेगा। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये बेस है बायोटेक्नोलॉजी का। ज़्यादातर जो आप बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स देखेंगे उसमें यही बात के आसपास पूरी टेक्नोलॉजी घूमती, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यह समझने की है कि जब हम जीन कंस्ट्रक्ट बनाते हैं तो डीएनए को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके और उसमें प्लाज्मिड में इंसर्ट करके और हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारा डिजायर्ड जीन, उसको किसी भी वेक्टर में, वो प्लाज्मिड हो सकता है, वो कॉस्मिड हो सकता है, वो फेज हो सकता है, उसके अंदर हम स्टोर करके इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। और जो वेक्टर होता है ना, उसकी बहुत सारी मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होती हैं, है ना। रिस्ट्रिक्शन साइट्स मतलब कहीं, जब वेक्टर में आप डीएनए डालोगे तो आपको वेक्टर को कट करना पड़ेगा, कट करके आप इंसर्ट करोगे डीएनए फ्रेगमेंट को और उसके बाद उस वेक्टर को लाइगेट कर दोगे, उसके एंड को सील कर दोगे, है ना। तो इस तरह से भी आप डिजायर्ड जीन की जो लाइब्रेरी है वो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये जैसा मैंने बताया कि डिटेल में ये हम अगर आरडीएनए टेक्नोलॉजी का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है उसमें। देन ये आपने वेक्टर बना लिया, अब आपका जीन कंस्ट्रक्ट बन गया। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपका जीन कंस्ट्रक्ट या आपका जो ट्रांसजीन है वो एक सेफ जगह पे पहुँच गया। ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने का होल प्रोसेस क्या है ये समझिए एक बार, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यदि आपको ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है तो सबसे पहला, सबसे प्रथम चरण है कि आप ट्रांसजीन आप वो ट्रांसजीन बनाइए, ट्रांसजीन सिलेक्ट करिए कि कौन सा जीन आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद या तो उस ट्रांसजीन को सीधे तौर पर वैक्टर में डाल दीजिए या उस ट्रांसजीन को लेकर जीन कंस्ट्रक्ट बनाइए, ठीक है। जीन कंस्ट्रक्ट बना लिया आपने, देन जीन कंस्ट्रक्ट बनाने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क आपके सामने आता है वो आता है कि ये जो जीन कंस्ट्रक्ट आपने बनाया है या ये जो फॉरेन जीन आपने डिज़ाइन किया है, इसको आप सेल अथवा एम्ब्रियो में कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। वेक्टर में आपने डाल लिया ट्रांसजीन, ये आपने जीन कंस्ट्रक्ट बना लिया। अब आप इसे या तो किसी सेल में डालेंगे या किसी किसी केस में डायरेक्टली ये एम्ब्रियो में डाल दिया जाता है ना। तो आप ये जो प्रोसेस है फॉरेन जीन का सेल में डालने का जो प्रोसेस है, ये फॉरेन जीन को एम्ब्रियो में डालने का जो प्रोसेस है, ये कहलाता है ट्रांसफेक्शन, ठीक है। ट्रांसफेक्शन और जीन ट्रांसफर इन एनिमल भी कैन बी कैरिड आउट एट सेलुलर लेवल टू गेट ट्रांसफेक्टेड सेल्स। और जो ट्रांसफेक्शन का प्रोसेस है वो सेलुलर लेवल पे होने वाला प्रोसेस है, और देखिए उसका जो मेन उद्देश्य है वो केमिकल और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल सीधी बात है, आप इस नोट को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ जो मैं कह रही हूँ उतनी बात अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा
कि क्या करना है आपको, जो फॉरेन जीन है, जो आपने ट्रांसजीन बनाया, जो आपने जीन कंस्ट्रक्ट बनाया, उसको उठा करके या तो आप सीधे एम्ब्रियो के अंदर डाल दें या फिर किसी सेल में डालें और फिर इस सेल को ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ले जाके फिर सरोगेट मदर के अंदर डालें। तो ये जो फॉरेन जीन को सेल में डालने की प्रोसेस है, ये फॉरेन जीन को एम्ब्रियो में डालने की जो प्रोसेस है, ये ट्रांसफेक्शन कहलाती है, ठीक है। और ये प्रोसेस सेलुलर लेवल पे होने वाली प्रोसेस है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको इस पूरी बात को। देखिए, जैसा कि इसमें भी लिखा है और जैसा कि हमें पता है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर केमिकल्स और हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के प्रोडक्शन के लिए होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, उसको लिया, ठीक है, उसको ट्रांसफेक्ट कर दिया किसी सेल में, उस सेल को हम आगे देखेंगे कैसे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ले जाके सरोगेट मदर के अंदर डाल दिया। अब जो सरोगेट मदर है उसके अंदर जाकर ये जो जो एनिमल पूरा का पूरा ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप होगा, इस सरोगेट काउ के अंदर ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इस काउ का जो मिल्क है, ये इस काउ का जो ब्लड है, उसके अंदर इंसुलिन पाया जाएगा। फिर हम इसके मिल्क में, जैसे इंसुलिन की बात करें तो वो मिल्क में पाया जाता है ट्रांसजेनिक काउ के, तो हम उसके मिल्क को लेकर और उसके मिल्क को से इंसुलिन को लैब में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर इंसुलिन का इंजेक्शन बना सकते हैं। बात समझ में आई? एक बार पूरा प्रोसेस समझ लें फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगी। अभी के लिए इतना समझ लिया आपने कि हमने जीन कंस्ट्रक्ट बनाया अथवा हमने वेक्टर के अंदर डिजायर्ड जीन को डाला। जैसे ही हमारा जीन कंस्ट्रक्ट या वेक्टर रेडी हो गया, इस फॉरेन जीन को हमने सेल में इंसर्ट किया या एम्ब्रियो में इंसर्ट किया, ये जो प्रोसेस है फॉरेन जीन को सेल या एम्ब्रियो में इंसर्ट करने का, ये कहलाता है ट्रांसफेक्शन, ठीक है। अब कौन कौन सी अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं डीएनए को एम्ब्रियो या सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए? देखिए, ट्रांसफेक्शन मेथड्स अपने आप में बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है ना। मैंने ट्रांसफेक्शन मेथड यहाँ सिर्फ आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ट्रांसफेक्शन मेथड्स पे अपना एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, सिर्फ मेथड के नाम दिए। केवल एक मेथड मैंने डिटेल में समझाया, बाकी सबके नाम दिए हैं ना। तो ट्रांसफेक्शन मेथड में एक कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन मेथड होता है, एक लाइपोफेक्शन होता है, थोड़ी सी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उसका ध्यान रख लीजिएगा, एक लाइपोफेक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोफोरेशन होता है, रिट्रोवायरल इन्फेक्शन का मेथड होता है, माइक्रो इंजेक्शन का मेथड होता है, एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफर का मेथड होता है। ये सारे जो मेथड हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं डीएनए को सेल में या एम्ब्रियो में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम फॉस्फेट वाला जो मेथड है उसके अंदर जो अप्रोच है उसमें डीएनए को प्रिपेयर करके और डिजॉल्व करके फॉस्फेट बफर में और फिर डीएनए इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं ट्रांसफेक्शन मेथड इसमें केवल एक समझा रही हूँ, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को ट्रांसजेनिक एनिमल टॉपिक होता है अपने सिलेबस में, वो केवल कोई एक भी समझाएंगे तो चलेगा, और हर अगर मैं क्योंकि हर ट्रांसफेक्शन मेथड को डिटेल में समझाऊंगी तो वो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो ट्रांसफेक्शन मेथड के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ सभी जो कॉमन ट्रांसफेक्शन मेथड्स है, जिसमें से कि माइक्रो इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइपोफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफर मेथड जिसको सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिर्फ ये वाला एक्सप्लेन किया है। इसके अपार्ट यदि कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ट्रांसफेक्शन मेथड्स की वीडियो में तो मुझे रिक्वेस्ट करिए, मैं अलग से एक उस पर पूरा वीडियो बना दूंगी, ठीक है। देन एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफर मेथड को मैं यहाँ डिटेल में समझा रही हूँ। देखिए, इसमें अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो क्या होता है, जो कल्चर्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल हैं उनके अंदर स्पेसिफिक ट्रांसजीन कंस्ट्रक्ट को ट्रांसफेक्शन टेक्निक से डाला जाता है। देखिए, अभी तक हम कहाँ थे, हमारा ट्रांसजीन बन गया, हमारा जीन कंस्ट्रक्ट बन गया, अब हमें इसे डालना है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को इन्यूक्लिएट करेंगे, ओके। हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को इन्यूक्लिएट किया और उसके बाद ये जो हमारा ट्रांसजीन कंस्ट्रक्ट, ये जीन कंस्ट्रक्ट बना हुआ है या वेक्टर बना हुआ है, इसको हमने उस इन्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में क्या कर दिया, डाल दिया। एंड देन उसके बाद एक थर्मल शॉक दिया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को। ध्यान से सुनिए, मेरी सुनी हुई बात को ध्यान दीजिए, वो लिखे हुए से मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, वो इस नोट में लिखी हुई बात से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा आपसे, जीन कंस्ट्रक्ट बनने के बाद
या ट्रांसजीन को वेक्टर में डालने के बाद जो रेडी मटेरियल है हमारा, वेक्टर जिसमें ट्रांसजीन है या फिर जीन कंस्ट्रक्ट, इसको हम इंसर्ट करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में इंसर्शन से पहले ये अत्यंत आवश्यक है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को हम इन्यूक्लिएट कर लें, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को आपने इन्यूक्लिएट करा, देन उसमें डालिए जीन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और उसके बाद दीजिए एक हल्का सा थर्मल शॉक या इलेक्ट्रिक इम्पल्स उसको, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को, ताकि उसके अंदर जाकर ये जो आपका इंसर्टेड ट्रांसजीन है ये अपनी कॉपीज बना सके। इसका कॉपीज बनाना बहुत ज़रूरी है ना, ये कॉपीज बना सके और सेल का नंबर बढ़ा सके, ठीक है। यानी हमने जीन कंस्ट्रक्ट बना के इन्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में डाला और उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को क्या दिया, थर्मल शॉक दिया, ताकि वहाँ पर जो इंसर्टेड ट्रांसजीन है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके और सेल्स रिप्रोड्यूस हो सके, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्लोन बनेंगे उनको हम फिर फॉलोइंग मेथड से, जो ट्रांसफेक्टेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्लोन्स होंगे उनको हम एक फॉलोइंग मेथड से भी बना सकते हैं। मतलब कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर अब आपका ट्रांसजीन डल गया, अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोन होने देंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के नंबर को बढ़ने देंगे और इंतजार करेंगे कि जब तक इसकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ना आ जाए। दो मेथड से अब इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की क्लोनिंग हो सकती है, ये इनका नंबर बढ़ सकता है। पहला मेथड है इंजेक्शन मेथड और दूसरा मेथड है कोकल्चर मेथड। तो क्या हुआ, मैंने जीन कंस्ट्रक्ट इन्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में डाल दिया, फिर थर्मल शॉक दे दिया ताकि वहां जाकर जो जीन है वो अपने आप को, जो सेल इंसर्ट किया, जो ट्रांसजीन इंसर्ट किया है उसका अमाउंट बढ़े और इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का भी नंबर बढ़े। तो मैं इंतजार करूंगी, इंजेक्शन मेथड में क्या होगा कि मैं इन एम्ब्रियोनिक सेल्स को क्लोन होने दूंगी और इंतजार करूंगी कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंचे। जब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो फिर इनको मैं डोनर फीमेल से या फीमेल के अंदर से अलग करके और माइक्रो इंजेक्शन से फिर सरोगेट मदर में इंजेक्ट कर दूंगी, है ना। एक कैथेटर ट्यूब आती है उसकी मदद से कैथेटर का इस्तेमाल करके मैं इसको जो सरोगेट मदर होगी उसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। या फिर अगर इंजेक्शन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यहाँ पे हम कोकल्चर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनको हम कोकल्चर करें, मॉरुलर स्टेज तक आने दें, ठीक है। और फिर जब वो मॉरुलर स्टेज तक आ जाएं तो उसको निकाल के हम इनर मास ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर इंसर्ट कर दें, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के न्यूक्लियस को किसी इन्यूक्लिएटेड ओवम के अंदर डाल दें, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के न्यूक्लियस को हम निकालें और किसी भी, ये जो हमारा ट्रांसजीन जिस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर है, केवल उस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के हम न्यूक्लियस को निकाल के किसी भी इन्यूक्लिएटेड ओवम, मतलब ऐसे ओवम में जिसका मैं न्यूक्लियस हटा चुकी हूँ, उसके अंदर डाल दें, ठीक है। और फिर ये पूरा जो एम्ब्रियोनिक, देखिए मेरी बात समझिए एक बार, इसको मैं फिर से सम अप करूँगी, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। पहले मैंने जीन कंस्ट्रक्ट या ट्रांसजीन बनाया, देन उसके बाद मैंने ट्रांसफेक्शन करने के लिए एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लिया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को मैंने इन्यूक्लिएट कर लिया और उसके अंदर मैंने ये ट्रांसजीन या जीन कंस्ट्रक्ट को डाल दिया। उसके बाद मैंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को क्लोन होने दिया और फिर मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं उसे इंजेक्शन मेथड से डालूं फीमेल के अंदर और या फिर मैं उसको कोकल्चर मेथड से डालूं। तो इंजेक्शन मेथड में क्या हुआ कि ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंचे, वहां से मैंने फिर ये डोनर फीमेल से अलग कर लिए और अब इन्हें मैं सरोगेट मदर में डालूंगी। और यदि मैं कोकल्चर मेथड से चल रही हूँ तो ये जो सेल्स हैं ये मॉरुला स्टेज तक मैं जाने दूंगी और उसके बाद वहाँ से डोनर मदर से अलग कर लूँगी और फिर सरोगेट मदर से मैं डालूंगी। और मैं ये भी कर सकती हूँ कि ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है मैं इसका केवल न्यूक्लियस भर निकाल लूँ और किसी की ओवम लूँ, दूसरा जो मदर का है उसका ओवम लूँ और उसके ओवम का भी न्यूक्लियस निकाल लूँ और ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ना जिसमें मेरा ट्रांसजीन इंसर्टेड है उसका केवल न्यूक्लियस
ओवम के अंदर डाल दूं। ओवम का न्यूक्लियस मैंने निकाल दिया, मैं कौन सा न्यूक्लियस डाल रही हूँ, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का न्यूक्लियस है वो डोनर के ओवम के अंदर डाल दूं, और फिर इसको ऐसा का ऐसा उठा के मैं सरोगेट मदर के अंदर इंसर्ट कर दूं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, मैं होप करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब ये इंसर्शन जो है आपका जीन कंस्ट्रक्ट का, यहाँ पर इंसर्शन हो गया किसके अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर, यानी कि आपका जो ट्रांसफेक्शन का स्टेज है वो पूरा हो गया। अब इसके बाद सिलेक्शन करेंगे हम किसका, ट्रांसजेनिक पॉजिटिव सेल का। हम ये देखेंगे कि जो सेल हमने डाला है वो ट्रांसजेनिक सेल आया भी है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर या नहीं आया, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये हम कैसे देखेंगे, ये हम ऐसे देखेंगे कि जो हमारे ट्रांसजेनिक सेल होते हैं उनमें एक विशेषता होती है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो कंटेन करते हैं, तो वो किसी भी एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट को रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रांसजेनिक जीन है तो वो एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट को रेजिस्ट कर सकता है, और अगर कोई सादा जीन है तो वो एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो हम एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करेंगे सेल्स को, और अगर ट्रांसजीन आया होगा जीन कंस्ट्रक्ट में तो इट विल रेजिस्ट दी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके अंदर हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जाना था। और अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को वो जीन कंस्ट्रक्ट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस बेसिस पे हमें ये पता पड़ जाएगा कि जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, जो हमारे सेल्स हैं, उसके अंदर ट्रांसजीन इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही आपने कंफर्मेशन किया ट्रांसजीन के इंसर्शन का, उसके बाद आप एक ये देखेंगे मेकिंग अ ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो, यानी कि अभी तक इस स्टेप में यहाँ तक क्या हुआ था, यहाँ तक सिर्फ ये हुआ था कि हमने पूरा का पूरा जो जीन कंस्ट्रक्ट था उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर डाल दिया, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को रेडी करने के बाद हमने उसे सरोगेट मदर में कैसे ट्रांसफ़र किया वो यहाँ पर अब हम देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र हम मतलब ये जो पूरा का पूरा ट्रांसजेनिक का कंसेप्ट है उससे हम पूरा एक ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप कर सकते हैं। अब जो ट्रांसजेनिक सेल है जिसके अंदर ऑलरेडी ट्रांसजीन आ गया है, जो सेल जिसके अंदर हमने जीन कंस्ट्रक्ट डाला है, ट्रांसफेक्शन कर दिया है, उस सेल को हम डोनर ओसाइट के साथ फ्यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, डोनर ओसाइट के साथ फ्यूज़ करवाएंगे कैसे, देखिए बिल्कुल दिमाग में एकदम जो प्रोसेस है उसको क्लियर रखिए। जीन कंस्ट्रक्ट बनाया, उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में डाला वाया ट्रांसफेक्शन। अब ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आ गया है इसके अंदर ट्रांसजीन डला हुआ है, ये बात हमने कंफर्म कर ली। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है तो मतलब वो ट्रांसजीन है। अब इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को उठा करके हम डोनर ओसाइट के साथ में फ्यूज करेंगे। डोनर ओसाइट का न्यूक्लियस निकला होना चाहिए, हमने इसे डोनर ओसाइट के साथ फ्यूज़ किया और एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स दे दी ताकि फ्यूजन हो जाए। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स दे दी ताकि ये फ्यूजन कंप्लीट हो जाए। व्हेन ट्रांसजेनिक सेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद इन्यूक्लिएटेड ओसाइट इट रीचेस टू द 7 डे एम्ब्रियो स्टेज, और जैसे ही फ्यूजन हुआ ये 7th डे एम्ब्रियो स्टेज तक पहुंच गया, और इसके बाद ये जो ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो है इसे ट्रांसफर कर दिया फीमेल के यूट्रस के अंदर, जहां जाके इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। जिस फीमेल में ये जो ट्रांसफेक्टेड सेल ट्रांसफर किया गया है उस फीमेल को सरोगेट मदर कहा जाता है। ठीक है, यानी सबसे पहले जीन कंस्ट्रक्ट में फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस डायग्राम की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ डिजायर्ड जीन को अलग किया, ठीक है, ट्रांसजीन बनाया, यानी डिजायर्ड जीन को पहले अलग किया, जीन कंस्ट्रक्ट बना लिया या उस डिजायर्ड जीन को वेक्टर के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद हमने वेक्टर के अंदर डालने के बाद इसको क्या किया, इसको हमने किसी भी प्रॉपर ट्रांसफेक्शन मेथड का इस्तेमाल करके इसका ट्रांसफेक्शन कर दिया। मैंने इस नोट में एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर मेथड का इस्तेमाल किया है, बाकी बहुत सारे ट्रांसफेक्शन मेथड्स हैं, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। वो करके हमने जो ट्रांसजीन है वो इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद जो है इस जीन का यहाँ एक्टिवेशन हुआ, और इसके बाद हमने इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को
डोनर मदर के से ऊसाइट लिया, डोनर मदर के ऊसाइट को इन्यूक्लेट किया। इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जो हमारा ट्रांसफेक्टेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है जिसके अंदर ट्रांसजीन है, उसको डोनर मदर के सेल के साथ डोनर मदर के ऊसाइट में फ्यूज कर दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। और उसके बाद जो है, जब ये फ्यूजन हो गया तो उसके बाद इसे 7 डे तक एम्ब्रियो स्टेज तक आने दिया। और उसके बाद इस ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो को हमने यूट्रस के अंदर, सरोगेट मदर के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो सरोगेट मदर होगी वो केवल बेबी को डेवलप करेगी, लेकिन जेनेटिकली ये उसका ट्रांसजीन इस के अंदर इंसर्टेड होगा, है ना। जो कैरेक्टर्स एग्जिबिट होंगे वो ट्रांसजीन वाले कैरेक्टर्स एग्जिबिट होंगे, ठीक है। देन वी कम टू ट्रांस, ये हो गया, इतना हो गया, तो इसके बाद डेवलपमेंट हो जाएगा। अब बस हमें ये कंफर्म करना रहेगा कि जो एम्ब्रियो है वो ट्रांसजेनिक है या नहीं। तो इसके लिए पीसीआर से या फ्लोरेसेंट इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन यानी फिश टेक्निक से ये कंफर्म किया जा सकता है कि जो एम्ब्रियो है वो ट्रांसजेनिक है या नहीं। और ट्रांसजेनिक एनिमल का इसके बाद प्रोडक्शन हो जाएगा। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो इनटू यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर, इट विल डेवलप अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल पीरियड एंड अ ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस विच कैन कन्फर्म दैट प्रोड्यूस्ड एनिमल इज ट्रांसजेनिक और नॉट बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रांसजीन बाय यूजिंग पीसीआर और फिश टेक्निक। यानी कि एक बार ये हमने ट्रांसजीन इंसर्ट कर दिया, जो ट्रांसजेनिक एनिमल बना उसके अंदर हम पीसीआर से या फिश टेक्निक की मदद से ट्रांसजीन की प्रेजेंस को ट्रेस कर सकते हैं। इस चीज़ में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि बहुत सारे एनिमल्स का बायो रिएक्टर यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेफिनेट हार्मोन्स, जैसे कि इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए होता है। क्या करते हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ले लेते हैं, जीन कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, देन ट्रांसफेक्शन करते हैं सूटेबल मेथड यूज़ करके। और जैसा मैंने बताया था कि ये काउ के अंदर अगर वो जीन मैंने इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये सरोगेट मदर है मेरी, तो इसका जो मिल्क होगा इसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, इसके मिल्क के अंदर इंक्रीज अमाउंट में इंसुलिन पाया जाएगा और फिर वो इंसुलिन इसका मिल्क लैब में ले जाके उससे वो इंसुलिन आइसोलेट किया जा सकता है और उससे इंजेक्शंस को बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन होता है। ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूज एज बायो रिएक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दैट इज फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। ट्रांसजेनिक एनिमल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जैसे कि इंटरफेरॉन मार्केट में बनता है या इंसुलिन मार्केट में बनता है, इनके प्रोडक्शन के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल बहुत किया जाता है और इस तरह के एनिमल्स को फार्मा एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल को डिजीज़ की स्टिमुलेटिंग थेरेपीज, नई नई जो डिजीज ट्रीटमेंट की थेरेपीज होती है जैसे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज ट्रीटमेंट, न्यूरोजेनरेटिव डीजेनरेटिव डिजीज ट्रीटमेंट, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइफ स्टॉक को इम्प्रूव करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे एनिमल्स एज बायो रिएक्टर यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन एंड इंसुलिन, है ना। और अगर इसके अलावा हमें कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी पोल्ट्री में बनानी है तो उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हैं। देन ट्रांसजेनिक शीप का प्रोडक्शन होता है वूल ऑब्टेन करने के लिए, है ना। हाई यील्डिंग मिल्क वाली काउ, अगर हमें हाई ज़्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए तो भी हम ट्रांसजेनिक काउ बना सकते हैं। देन बहुत सारे यूजफुल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल से बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कि फैक्टर 8, फैक्टर 9, फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीकोएगुलेंट, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, जिन सबको ट्रांसजेनिक एनिमल्स द्वारा बनाया जा सकता है। देन मैमिलियन ट्रांसजेनिक सेल्स से जीन थेरेपी की जा सकती है। जीन थेरेपी मतलब अगर कोई जीन हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है तो उसको निकाल के उसका डिफेक्ट रेक्टिफाई करके वापस से जीन को इंसर्ट करना या जीन का रिप्लेसमेंट करना, ये जो थेरेपी है ये जीन थेरेपी कहलाती है, ठीक है। तो जीन थेरेपी करी जा सकती है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस जैसे कि नॉकआउट माइस, इन माइस का बहुत एज ए रिसर्च मॉडल इनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट रिसर्चेस करने के लिए, ठीक है। ये सभी एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक एनिमल के। देन आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अगर कहीं भी कुछ ऐसा है
जो आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर ट्रांसफेक्शन मेथड्स को कोई डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो भी बता सकता है, वो एक सेपरेट टॉपिक होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।